प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इन इंग्लिश। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार हमारे मन में बातचीत के क्रम में हिंदी में बहुत सारे ऐसी फीलिंग्स आते हैं जो हम अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, तो उनको हम कैसे कहें। डेली लाइफ में हम इनको यूज करते हैं और बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस तरह के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए आज इसको हम लोग सीखते हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हम अंग्रेजी आसानी से सीखते रहेंगे। शुरू करते हैं और देखिए, मुझे अकेला छोड़ दो। कई बार हम लोग नाराज होते हैं किसी से और वो मुझे मनाने की कोशिश करता है तो हमारे मन में ये फीलिंग आता है। हम कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, तो अंग्रेजी में इसे कैसे कहेंगे? लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। अगला वर्ड है मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। जैसे कोई दोस्त आपको बाहर से आवाज लगा रहा है और आपको वहां तक जाने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप यहीं से आवाज लगाते हैं मेरा इंतजार करो। तो इसी को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट। और कांट को अगर आप दो भागों में बांटना चाहते हैं तो आई कैन नॉट बिलीव इट भी कह सकते हैं। जैसे अचानक किसी ने आपको कोई अविश्वसनीय खबर दी जिसके ऊपर आपको तुरंत विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट। किसे चिंता है? हु केयर्स, हु केयर्स। कई बार ऐसी बातें होती हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई ये बड़ा चिंता का विषय है और हम कहते हैं किसे चिंता है? हु केयर्स। और अगला है ये क्या है? वॉट इज दिस। कई बार बहुत ही नॉर्मल टर्म्स में इस तरह की बात हम लोग करते हैं। कोई अचानक हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो हम पूछते हैं यह क्या है, तो हम क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। और अगला वाक्य है मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग। आप इसको आई डू नॉट नो एनीथिंग भी कह सकते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि भाई इस बारे में कुछ बताओ मुझे, अगर आपको पता हो, तो आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, आई डू नॉट नो एनीथिंग, आई डू नॉट नो एनीथिंग। मैं आपके साथ हूं। कई बार आपने देखा होगा आपका दोस्त है काफी डिप्रेस्ड है, परेशान है, और आप उसको हौसला देते हुए कहते हैं मैं आपके साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। और ये तुम जानो, इट्स अप टू यू, ये तुम जानो। आपने किसी से कोई काम करने के लिए कहा और उसका जो रिजल्ट था, जो आपने सोचा था ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, तो आप उसे कहते हैं भाई जो भी हुआ वो तुम जानो, ये तुम जानो। तो इसी को अंग्रेजी में अगर हमें कहना हो तो हम क्या कहेंगे? इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। और दोस्तों आ गया आज का सवाल। इससे पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो में कई फ्रूट्स के नाम आए थे जिसमें एक फ्रूट ये वाला था, जामुन। तो जामुन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपने जरूर उस वीडियो को देखा होगा, और नहीं अगर देखा है तो टेलीग्राम ग्रुप में जाइए जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, वहां आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा और वहां से देख करके
तुरंत याद करिए और जामुन की अंग्रेजी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं और ये तो ऐसा शब्द है जो कई बार हम लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं, कसम से। कसम से, मैं जो सच कह रहा हूं सच कह रहा हूं, कसम से। तो कसम से को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आई स्वेयर, आई स्वेयर। आर यहां पर साइलेंट है, आर का पूरा उच्चारण नहीं होगा। आई स्वेयर, कसम से। और कई बार कोई आपको ऐसा कुछ कह रहा होता है जो चीज आपके समझ में नहीं आ रही होती है, तो आप कहते हैं यार मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। आई विल गो मैड, आई विल गो मैड, मैं पागल हो जाऊंगा। आई विल गो मैड। और अपना ध्यान रखना, कई बार हम अपने मित्रों से कहते हैं, अपने छोटों से कहते हैं, अपना ध्यान रखना। टेक केयर, टेक केयर। मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सब ठीक हो जाएगा, हम लोग इस तरह की बातें यूज करते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, लिसन टू मी। लिसन जब भी आप यूज करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब भी आप ये कहना चाहें मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। अपना दिमाग लगाओ। आपने देखा होगा कि कोई अगर दूसरे के दिमाग से चल रहा है या दूसरों की बातों में आ रहा है तो आप कहते हैं कि भाई दूसरों की बातों में क्यों आ रहे हो, अपना दिमाग लगाओ। यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। देर मत करो, देर मत करो। डोंट बी लेट, डोंट बी लेट। इसे अभी करो। जैसे आपने छोटे भाई बहन को कहा कि भाई होमवर्क करना है और वो कह रहा है कि नहीं मैं बाद में कर लूंगा, आपने कहा नहीं अभी करो, इसे अभी करो। डू इट नाउ, डू इट नाउ। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग बैड। मुझे बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग बैड। परेशान मत हो, डोंट गेट अपसेट, डोंट गेट अपसेट। परेशान मत हो, डोंट गेट अपसेट। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। लुक एट मी, लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। और जब हम किसी दोस्त की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारा जवाब नहीं। यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच। तुम्हारा जवाब नहीं, तुम बेमिसाल हो। तो अगर हमें यह कहना हो तुम्हारा जवाब नहीं, यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच। और कई बार आपकी बात किसी से होती है तो वो कहता है यार ऐसा ही है, और आप कहते हैं ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। और जब हम किसी से गुस्सा होते हैं और उसको कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात मुझसे करने की। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। और तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। Why do you think so? Why do you think so? तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर ये हम कहना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं तुम ऐसा क्यों सोचते हो भाई। Why do you think so? Why do you think so? और
अगली बात है, कई बार हम आश्चर्य में कहते हैं, जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस, जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस, जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने डे टू डे लाइफ में अपनी फीलिंग्स जो हमारे मन में आती हैं उसको इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस करें ये सीखा। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। जितना ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। ऑल द बेस्ट।